कभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरीज। मुझे पता था कुछ भी हो जाए सच्चा प्यार हमेशा जीतता है, क्योंकि इस दुनिया में प्यार से ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। 49 बार ट्राई किया, हर बार फेल हो गई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानिया, क्योंकि मुझे पता था कि सच्चा प्यार तो होकर रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, अपने लहंगे, शेरवानियाँ, साड़ियाँ, सूट सब तैयार कर लो, क्योंकि इस बार शादी के मंडप पर बैठेंगे तो प्यार करने वाले। और इस बार 110% पक्का, नहीं तो मेरा वादा आप सबसे, यहाँ मैं आज के बाद फिर कभी जोड़ी नहीं बनाऊंगी, प्रॉमिस। त्रिशु, क्या हुआ? खुशी के आंसू है ना? खुशी के आंसू। त्रिशु, क्या हुआ? मुरली के साथ लड़ाई हो गई क्या? ना, मत देना उसे डेट का। ओके। उससे लड़ाई हुई क्या? वर्ड माँ, फाइनली मुझे लगा था कि मुझे मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया, और फिर ब्याह के वादे किए थे, झूठा, सब झूठा, 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 नंबर वन। ओके ओके, तुम रोना बंद करो यार, प्लीज, मैं सब कुछ पता लगाती हूँ, ओके? गुड मॉर्निंग मैम। मुरली। दे मैम। भारा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दिल है तुम्हारे पास या वो भी अपने इस कंप्यूटर में डेबिट कर दिया तुमने? दिल तोड़ दिया उसका, पता कितना रो रही थी। उसने भी तो मेरा दिल तोड़ा है। अच्छा, व्हाट? कम यार, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका पहला प्यार हूं, ओनली होंगे उसकी लाइफ में। मैं तो शादी की बात तक करने वाला था इसमें, वो तो सही वक्त पर अम्मा और अप्पा ने मुझे इस बर्बादी से बचा दिया, थैंक गॉड फॉर दैट। अम्मा और अप्पा? तुम्हारे अम्मा और अप्पा कृष्णा पर जासूसी कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, नेवर नेवर नेवर, अम्मा और अप्पा प्राइड एंड ऑनर एंड डिग्निटी, नेवर। उन्होंने किसी और को जासूसी करने को कहा था। किसको? सुना है ऐसे काम में नंबर वन है वो। नाम क्या है? दिल ब्रेकर। मिस्टर दिल ब्रेकर, मैं आ रही हूँ तुम्हारे दिल के टुकड़े करने, वॉच आउट। देखो, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। डैड, आप ना, आपको नहीं लगता आपके जैसी रोमांटिक जोड़ी सबकी होनी चाहिए? रोमांटिक? सर्वाइवल। I love you so much. Great. तो प्लान ये है डैड? No plan. डैड, आप क्या चाहते हैं? आपकी बेटी एक 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 लूजर से हार जाए? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपनी अकल घुटनों से निकालकर अपने सर में डाले, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी दुनिया की जोड़ी बनाने के बजाय अपनी जोड़ी बनाए। Isn't that right? Mom. Right, Sia. No. ये आंसू वाला ट्रिक बहुत पुराना हो गया है, नहीं चलने वाला है। No. Mom. Your dad is right, Sia. बचपन से अब तक देखो टेढ़ी ही जिद करती हो, फिर भी बताओ मैंने बोला है कब तुम कोनो। Oh dad, I always knew what I wanted to do. ये तो सरासर इल्जाम है। मंडे को सीखा पियानो, अगले दिन वायलिन से लव, मैंने फिर भी ना टोका, अब तो तुम मेरी सुन लो। जो भी कहा तुमने हुआ वही हर बार, जिद मत करो तुम्हारी जिद है ये बेकार। बातें तुम्हारी मारी ना करियो खींचा तानी, ये
वाला मैटर यू आर टेकिंग टू फार। ओफो, खुद से है ये वादा निभाना। उस दिल ब्रेकर को सबक सिखा के तो सच्चे दिलों को है मिलवाना। ये बस आखिरी बार है। करो जो है डन। डन। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम इस मैच मेकिंग के जरिए खुद को हेल्प करोगी। ओके। प्रॉमिस। 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 मॉम, ये किसी लूजर का ऑफिस नहीं हो सकता, जरूर कोई सक्सेसफुल बिल्डर का ऑफिस है। राइट, लेकिन सिया ने तो यह एड्रेस दिया था। ऐसा आदमी ऐसा दिल ब्रेकर टाइप काम क्यों करेगा? इट्स क्वाइट सिंपल मैम। अगर मैं आपकी बेटी और उस ध्रुव की जोड़ी नहीं तोड़ूंगा तो उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन सिया को सच पता लगेगा, डिवोर्स। लेकिन करण, दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तब? सच्चा प्यार? सीरियसली मैम, नाम ये सच्चा प्यार सिर्फ फिल्म्स में अच्छा लगता है। इन रियल लाइफ देयर इज नो सच थिंग। प्यार सिर्फ एक जरूरत है। किसी को अपने पार्टनर से फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो किसी को इमोशनल सपोर्ट। लेकिन जिस दिन ये जरूरत खत्म हो जाती है या बदल जाती है, एवरीथिंग एंड्स। मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिन लोगों की जोड़ियां तुमने तोड़ी उन्हें सच में साथ होना चाहिए था। हो सकता है, लेकिन अगर दो लोगों को एक साथ रहना होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती, नॉट इवन करण कपूर। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है, इसीलिए ना जाने कितनी जोड़ियां तोड़ी है तुमने। रिकॉर्ड 49 नॉट आउट और अब हाफ सेंचुरी आपकी बेटी सिया। जिंदगी से भरी है, जिंदगी में ही खोई, उसको देखा तो जाना जो भी होता है कोई। छोटी छोटी खुशी में मोटी मोटी हंसी है जरा सी बेफिकर बर, यही खूबसूरती है। She come from fairy tales, I wonder if the guys are sweet her. Oh, oh, she come from fairy tales, she come from fairy tales, I wonder if the guys are sweet her. Oh, she come from fairy tales, I wonder. Round one, shuru. Johnny boy. The usual, sir? Yep. Cheers. ठीक हो?
हो जाऊंगा। आय हाय, उल्टी तो नहीं करने वाला? तुम्हें पता है ना, दुख तैर सकते हैं, पीने से दुख कम नहीं हो जाते, वही रहते हैं। हाँ, कल सुबह दुख के साथ साथ हैंगओवर भी हो जाएगा। तुम्हारी जैसी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़कियां अकेले क्या कर? इतनी गंदी लाइन, इस लाइन से लड़कियां पटाता है? एक्चुअली मैं अकेली नहीं हूँ, अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। He'll be here any minute. Johnny boy, अगर ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, तो तुम्हें कभी इंतजार नहीं कर पाता मैं। वो अलग बात है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे ज्यादा इंतजार कर। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड? हे, अब वो किसी की बीवी है? बात करना चाहते हो? नंदिनी, पहली बार कॉलेज में मिले, पहली नजर में पहला प्यार हो गया था। उसके पेपर्स उड़े थे और यहाँ मेरा दिल। आज भी वो सीन मुझे स्लो मोशन में याद। अमेरिका की आर्किटेक्चरल कॉलेज की स्कॉलरशिप रिजेक्ट की थी मैंने। जस्ट वांटेड टू बी विद हर ऑलवेज, के साथ रहना चाहता था। यही बताने गया था उसे हमारी फेवरेट जगह। कहाँ? वहाँ मेरी जान, हमारी फेवरेट जगह पर, मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ। करण, अपनी कहानी बंद कर और काम कर। आज मैं अपनी ब्रेकअप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर। वाओ, हाउ सैड। अगर इसका सच नहीं पता होता तो मेरी तो स्टोरी खत्म थी। एनीवेज, कहानी खत्म, ड्रिंक हजम। क्या एक्टर है। थैंक यू। आई होप मैंने तुम्हें बोर नहीं किया, तुम्हारी इवनिंग खराब तो नहीं की ना? हाँ नहीं, वो तो पहले ही खराब हो गई। ध्रुव की तबीयत खराब है, डेट कैंसल्ड। थैंक यू ध्रुव। आई सो है, अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता ना, मरता मरता भी आ जाता। Johnny boy, keep the change. Wo, I'm okay. Ek minute, you're okay? Yeah, I'm okay. मैं तुम्हें drop कर देती हूँ। तुम इस हालत में drive ना ही करो तो better है। Okay, wait, I'll drop you home. एक ड्रंक लड़के को तुम अकेले ले जाना चाहते हो, स्ट्रेंजर को करण कपूर। सिया बहल, हम स्ट्रेंजर्स नहीं। आई गेस नॉट। तुम्हारा घर? मेरा घर
वक्त कितनी जल्दी कट गया पता ही नहीं चला। आप एक्चुअली पीछे वाली गली में ही है, 2 मिनट लगे यहाँ आने में। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। करण? हाँ, मेरा नंबर ले लो, अगर कभी बात करने का मन बने तो। एक मिनट। ओके। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं क्या? हाँ? मैं क्या? सिया, आओ अंदर। यहाँ क्या कर रहे? आपको मिस कर रहा। ओ, भूल गए क्या? थैंक यू। सिया को मिलो। करण, हाय, तुम यहाँ? हे सिया। डैड, दैट करण एंड करण, दैट्स माय डैड। हेलो बेटा। हेलो आंटी। चलो, ब्रेकफास्ट इज रेडी। करण, तुम यहाँ? मॉम, वेलकम वेलकम मॉम। करण, मीट सियास मॉम। तुम यहाँ क्या कर रहे? अंदर आओ ना। और कितने अंदर आएगा, अंदर तो आ गया ना। तो चले। कहाँ? तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। लेकिन मुझे क्या हुआ? मैं रास्ते में बताता हूँ क्या हुआ, चलो। लेकिन ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट हम डॉक्टर के साथ ही करेंगे। अरे, मुझे कपड़े तो दे। कपड़े क्या हुआ, कपड़े कितने अच्छे, कितने अच्छे हैं कपड़े। Come on, let's go. Bye, Dad. Bye. Bye, Mom. Bye. Yellow flowers. Wow, they are my favorite. Oh, thanks. क्या है? Chocolates. Wow, they are my favorite. तुम्हें कैसे पता चला? थैंक यू। ओके, अब तुम कुछ बोलोगे भी या ही खड़े रहोगे? सॉरी। हाँ? दैट नाइट वो दारू ज्यादा हो गई थी। इट्स ओके करण, हो जाता कभी कभी, नेवर माइंड। अब ब्रेकफास्ट करोगे? पर मेदू वड़े हैं। मेदू वड़ा? I love medu vadas. Yeah, you do? Mom's a South Indian. Great, I love them too. ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, तुम 5 मिनट वेट करो। Yeah, come. Mumbai Indian. Karan, तुम बैठो, मैं आती हूँ। How sweet. साहब, मेदू वड़ा। मुंबई इंडियंस? हाँ, टोटल फैन हूँ। जहाँ सचिन वहाँ मैं।
प्रैक्टिस करें। राइट। तुम परफेक्ट हो। हुना, चटनी। इनफैक्ट मैं ध्रुव से भी यही कहती हूँ। लकी हिम टू हैव मी एज हिज गर्लफ्रेंड। पर एक्चुअली तुम्हें पता है, लकी ध्रुव नहीं, मैं हूँ। ये तुमने बनाया? सो गुड। यू नो व्हाट? तुम सुंदर, फनी हो, खाना अच्छा पकाती हो, क्रिकेट फैन हो, इससे ज्यादा किसी लड़के को कुछ नहीं चाहिए होता है। थैंक यू तुम्हें प्लीज करना आसान है। करण, बच्चों की तरह खाते हो, चटनी मुंह को खिला रहे हो, खुद खा रहे हो। I miss you so much, baby. Dhruv, that's Karan. And Karan, that's Dhruv. Nahin, nahin, Rohit. Maximum 200. Isse zyada is not feasible. Sorry, baby. It's okay, baby. No problem. Tumhari tabiyat kaisi hai? Tabiyat? Tabiyat kharab hui thi na, us din tumhari. Ab theek ho na? Thoda dard hai. Dhruv, ye Karan hai. And Karan, that's my Dhruv. तुमने उस दिन डिच मारा था ना मुझे? तो करण ने कंपनी दी थी। ओह बेबी, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी थी करण की। अच्छा सुनो ना बेबी। हाँ बेबी। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। बेबी नो। बेबी काम है, जाना पड़ेगा ना। जरूरत से ज्यादा लम नहीं, इन डेप्थ जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, करण। सिया। ये फोटोज असली लगते हैं, असली है दही। हट। ये पिक्चर्स असली हैं। कुत्ते, कमीने, दिल ब्रेकर। ये उस कुत्ते कमीने दिल ब्रेकर का काम है। हाँ, ये देखो। मीना। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ना मेरी एक फ्रेंड का ब्रेकअप भी इस कमीने कुत्ते ने ऐसे ही करवाया, नकली फोटोज। लड़के के डैड ने उसे बुलाया था। आई एम श्योर ये काम भी मेरे डैड और उस कुत्ते का है। कुत्ता? हाँ, आई एम टेलिंग यू, ये वही है। ये उसका काम नहीं। ये वही है करण, नकली पिक्चर्स जैसी चीप गिरी हुई थर्ड ग्रेड लो ग्रेड हरकतें ना वो कमीना ही कर सकता है। कीड़े पड़ेंगे उसे, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े। Look at this. एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? ये मुझे पता है यार, ये फोटो मैंने कैसे? तुम जानते हो उसे? नहीं ना? फिर वॉशरूम। ये क्या कर रहा है तू? लड़कियों से दूर रहना है, लड़कियां दिल तोड़ती हैं। ये काम है, ये वाली बर्बाद कर देगी। ओके, सो स्टे अवे, नो हगी, नो किसी। Johnny Q, Johnny Q.
चलें। वैसे अब बाइक पे डेनिम्स ठीक रहते हैं। मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो। इंप्रेस हुए? मुंबई इंडियंस वाली टी शर्ट के दिन से। सपनों के जैसे जग रहे, कुछ और ये लम्हे लग रहे, सोच से कितने अलग है ये, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों। तुम जानती हो मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने हैं। नंदिनी के बाद भरोसा करना छोड़ दिया था मैंने। आज मैं अपनी ब्रेकअप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर। नंदिनी सच? सिया डोंट जोक। इसका मतलब उस दिन करण के ब्रेकअप वाली बात सच थी? यार पर से भरोसा उठ गया था मेरा। प्रोफेसर तुम तुमसे मिलने के बाद एक बार फिर भरोसा करने का दिल करता है। एक बार फिर ऐसे स्लो मोशन वाला प्यार हो गया है। ये तूने क्या किया सिया? बहुत बड़ी भूल हो गई। एक और सरप्राइज करण। ये मेरी दादी की रिंग है। नंदिनी को दी थी पर शायद बनी तुम्हारे लिए। करण दरवाजा मत खोलो। करण प्लीज दरवाजा मत खोलो। करण प्लीज। सिया अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो ये जो कोई भी है वो बार बार घंटिया बजाएगा। करण प्लीज। सिया
इसे संभाल के रखो। ध्रुव, सरप्राइज सरप्राइज। नो ध्रुव नो। पहचानते हो ना इन सबको करण? पर आई थिंक बात समझ आ गई होगी। इस करण की सच्चाई आप सबके सामने लाने के लिए सिया ने नाटक किया। सिया ने नाटक किया। और इसमें इसके साथ दिया इसके स्मार्ट टैलेंटेड कजिन, यानी मैंने। तो मिस्टर करण कपूर, यही वो फोटोज थे ना जिसके बेसिस पर तुमने मेरा और कृष्णा का रिश्ता तोड़ा था? तो सच्चाई क्या है, ये या फिर ये? डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। हमने उन सारे 48 कपल्स को लेटर्स भेज दिए जिनकी जोड़ी तुमने तोड़ी थी। एंड गेस व्हाट, उसमें हमने तुम्हारी सच्चाई बयां कर दी। और हाँ, हमने सबको यह भी बता दिया है कि जिसने इन सबका दिल तोड़ा है ना, आज खुद उसी का दिल टूट गया है। तो मिस्टर दिल ब्रेकर, हाउ डज इट फील जब खुद का दिल ब्रेक होता है? लेट्स गो, खेल खत्म। लेट्स गो। सिया चले, तुम चलो, मैं आती हूं। प्लान नहीं किया था। तो फिर कैसे प्लान किया था सिया? You know what? You are right. मैं एक बुरा आदमी हूं। नो करण। लोगों की जोड़ियां तोड़ता हूं, उनके दिल तोड़ता हूं। तो तुमने क्या किया सिया? Mission successful. Oh, Karan, I'm sorry. Happy. Get out. Karan, please, Karan. Get out. Karan. Karan, listen to me. Karan, please. See ya? मेरी लाइफ इतनी कंफ्यूजिंग क्यों हो रही थी? मैं फिर परफेक्ट क्यों नहीं हो सकता था आपकी और माँ की लाइफ की तरह? सिया, नहीं सिया, न आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे, न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाई से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है।
गए तुम गए हम थम गए हर बात बाकी है गए क्यों तो जिए क्यों न आए हो न आओगे न दूरियां दिखाओगे न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे न आए हो न आओगे न झूठ से सुनाओगे न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे गए तुम गए हो क्यों रात बाकी है गए तुम गए हो क्यों साथ बाकी है गए तुम गए हम थम गए हर बात बाकी है गए क्यों तो जिए क्यों बुलाओगे न शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे फोन आया किसका लड़के का और किसका मैंने तुम्हारा नंबर एक बड़े अच्छे लड़के को दिया है डैड मैंने कहा ना आपसे मुझे किसी से नहीं मिलना ना ना डेट पर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा मेरी जान तुमने वादा किया है याद है मैंने तुम्हारी मदद की अब तुम्हें खुद की मदद करनी होगी कल 4 बजे कैफे सी साइड लड़के का नाम है विवेक विवेक वाओ अगर मुझे पता होता कि ब्लाइंड डेट्स पे इतनी खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं तो ये काम तो मैं कब का कर चुका होता बाय द वे आपके डैड बता रहे थे कि आप जोड़ियां बनाती हैं आर यू अ मैच मेकर बनाती थी बिजनेस मॉडल ही फेल हो गया अब कुछ नहीं बनाती सिया जोड़ियां बनाई नहीं जाती हैं बस बन जाती हैं इनफैक्ट कई बार तो हम रियलाइज नहीं करते हैं हमारा असली प्यार हमारे सामने खड़ा होता है पर आप उस परफेक्ट पार्टनर की तलाश में उसे भूल जाते हैं जो हमारे प्यार को परफेक्ट बना सकता है आर यू ऑलराइट सिया Thank you, Vivek. Thank you. You're right. मैं अपनी सपनों की दुनिया में ऐसी खो गई थी कि जब मेरा सच्चा प्यार मेरे सामने आया तो मैं उसे देख ही नहीं पाई. Stupid. वो मेरे सामने खड़ा था. हाथ बढ़ाए और मैंने क्या किया? मैंने उसका दिल तोड़ दिया उसे बेइज्जत किया आई एम सॉरी विवेक बट आई लव करण और अगर करण नहीं तो कोई भी नहीं एक मिनट सिया क्या यही करण है तुमसे एक बुरी आदत लग गई जोड़ियां बनाने की
इसीलिए विवेक, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। करण, लड़का नहीं चाहिए। एक और सैंपल है मेरे पास, दिखाऊं? ठीक है, काम चला लूंगी। मुझे मुंबई इंडियंस नहीं पसंद, धोनी होनी। जी यार, कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी। मैंने काम चलाया ना। ओके, डील, मैं भी काम चला लूंगा। अच्छा, मेरी दादी की रिंग? थैंक यू। I love you, Sia. अब जल्दी यस बोलेगी, मेरे घुटनों में दर्द हो रही है। Yes, 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 yes. कभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरीज़।